नमस्कार, आज चिल्ड साबुदाना मैं बनाऊंगी। आप चाहें तो इसको पी सकते हैं या फिर फ्रीजर में सेट करके आइसक्रीम की तरह यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चिल्ड साबुदाना बनाने के लिए साबुदाना मैंने लिया है 100 ग्राम और इसको मैंने पानी में सोक किया हुआ है लगभग 1 घंटे तक। वनीला आइसक्रीम है 200 ग्राम, गुलाब शरबत है 3 चम्मच, 3 चम्मच शहद मेरे पास है और ये कोकोनट मिल्क है थिन वाला, थोड़ा पतला मैंने कोकोनट मिल्क लिया है। और ये टूटी फ्रूटी है, आप किसी भी कलर की टूटी फ्रूटी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की ली है। गैस ऑन करेंगे और एक पतीला, और पतीले के अंदर डालेंगे हम ये सोक किया हुआ साबुदाना और लगभग 1 गिलास पानी इसके अंदर और डाल देंगे और ढक्कन लगा के इसको बॉयल करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो ढक्कन लगा के इसको उबाल। चलिए चेक करते हैं। किसी भी चम्मच से आप चेक करें। ये देखिए व्हाइट कलर का साबुदाना होता है, ये देखिए अब व्हाइट कलर नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है शीशे के जैसे, तो इसका मतलब ये पक चुका है, तैयार हो गया है। गैस को बंद कर देंगे, लगभग 10 से 15 मिनट लग जाते हैं इस काम में। और अब इसको छान लेंगे। एक छलनी में इसको छान लेंगे। और एकदम ठंडा करना है इसको, तो एकदम ठंडा होने तक इंतजार करेंगे। ये लीजिए साबुदाना एकदम ठंडा हो चुका है हमारा, और अब सर्व करेंगे। तो गिलास ले लें कोई भी अच्छे से, और इस तरीके से सबसे पहले इसके अंदर डालें साबुदाना, बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं भरें। और इसके बाद भी डालें शहद, और इसके बाद में गुलाब का शरबत, और आखिर में डालें कोकोनट मिल्क। और ऊपर से डाल दें टूटी फ्रूटी। आप टूटी फ्रूटी की जगह पे चॉकलेट चिप्स भी यूज कर सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, एकदम ठंडा ठंडा इसको आप दें। पहले फ्रिज में रख लें ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, और उसके बाद में बच्चों को दें। ये देखिए पहले शहद और थोड़ा सा रोज सिरप, और आखिर में डालें थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम ऊपर से, इस तरीके से साइड में छोड़ दें। और लीजिए चिल्ड साबुदाना हमारा तैयार है। इसको ऐसे कैसे फ्रिज में रख दें और एकदम ठंडा होने दें, और उसके बाद में सर्व करें।